हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको टेस्टी आलू पटल की सब्जी सिखा रही हूँ। चलिए आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। फ्रेंड्स, आलू पटल के लिए लगेंगे कटे हुए पटल, जिसे मैंने अच्छी तरह धो लिया है। आलू, कटे हुए आलू, इसे भी अच्छी तरह से धो के रखा है। और ऑयल, जो भी आप यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, ये है पेस्ट। प्याज, लहसुन, अदरक एंड टमाटर का मैंने पेस्ट मिक्सी में बना लिया है। आप अपने हिसाब से आप इसको कर लीजिएगा जितना आप बनाना चाहते हैं। और मसाला में लगेगा गोटा गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, और अगर आप पसंद करते हैं तीखा खाना तो थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग पटल को भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे पटल को। उसके लिए हल्का सा तेल देंगे, तेल गरम हो चुका है, मैं पटल को इसमें डाल दूंगी। पटल जब तक फ्राई होता है फ्रेंड्स, मैंने एक इसमें पटल को फ्राई होने दे दिया। दूसरे पैन में मैं मसाला बना लूंगा। तब तक मसाला बनाते बनाते पटल फ्राई हो जाएगा। अब मसाले इसमें मैंने 2 चम्मच, आपको जैसा ऑयल लगेगा ऑयल दिया मैंने। अब इसमें सबसे पहले हम खड़ी मसाला डालेंगे। पहले हम खड़ी मसाले डाल लेते हैं। उसके बाद हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का टमाटर, जिसे भी मैंने उसमें पेस्ट बना के रखा है, उस पेस्ट को मैं निकाल और उसे अच्छी तरह हमें फ्राई करना है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक देना है। मसाला फ्राई होने के बाद, सब फ्राई होने के बाद इसमें आस्ते आस्ते सब मसाला डालते रहेंगे। तो पहले मैं हम हल्दी डालेंगे, उसके बाद मिक्स कर लेंगे हल्दी को, उसके बाद इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, फिर जीरा पाउडर डालेंगे, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, साइड में आस्ते आस्ते लग रहा है कि हमारा मसाला तैयार हो चुका है, क्योंकि साइड में वो तेल छोड़ते जा रहा है और एक अच्छी सी खुशबू भी आएगी। मसाले जैसे पक जाएंगे तो फिर हम उसमें मिर्चा पाउडर डाल देंगे। तीखा आप जैसा खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप मिर्चा पाउडर डाल सकते हैं। देखिए, हमारी करी तैयार हो चुकी है, हमारा मसाला तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसमें हम आलू को डालेंगे। आलू को भी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और इधर हमारे पटल भी फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह से। इसके साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए, पटल और आलू को इसके साथ अच्छी तरह से
मिक्स कर देना है मसाला के साथ। पूरा मसाला पटल और आलू के साथ पूरा मिक्स हो चुका है। इसको हम 5 मिनट ढक के, देखिए पूरा मिक्स हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसे मैं 5 मिनट ढक के पकाऊंगी। देखिए पूरा मिक्स हो चुका है। अब इसमें 2 मिनट के लिए मैं इसे ढक के पकाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स पूरा मसाला सब्जी के साथ मिक्स हो चुका है और एक धीमी खुशबू भी आ रही है। अब इसको हम लोग बस इसको बॉईल होने के लिए मटर ऐड करेंगे। बस 5 मिनट्स में हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। अब हम इसे 5 मिनट ढक के, फ्रेंड्स देखिए अब सब्जी पूरा रेडी हो चुका है। अगर आप ग्रेवी थोड़ा सा रखना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर आप पूरा इसे ड्राई के अब लेना चाहते हैं तो उसे तेज आंच में थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। हाँ देखिए सर्व करते हैं गर्मा गर्म आलू पटल की टेस्टी सब्जी। इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं, और ये सबसे लेस ऑयल में तैयार किया हुआ सब्जी है। So guys, like, subscribe और notification bell को दबा दीजिएगा, और मैं इसको enjoy करने जा रही हूँ। Bye. Bye. Like, subscribe और notification bell को दबा दीजिएगा, और मैं इसको enjoy करने जा रही हूँ। Bye. Bye.